मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रोमो ट्रेडिंग में। तो आज हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे गाइस TTML के बारे में, जिसमें कि हमें आने वाले दिनों में जानने को मिलेगा भी किस तरीके से हमें इसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी चाहिए दोस्तों। और आज के दिन में इसमें 13% का अपर सर्किट लगा हुआ है गाइस। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो 13% का अभी तक रिसेंटली जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है गाइस, वो इसका 77.35 रुपये है गाइस। और जो इसका 52 वीक लो है वो 39.65 रुपये है, और 52 139 रुपये का, यानी कि यहाँ से 100 रुपये की डिफरेंस है इसके लो में गाइस। तो और कुछ पैरामीटर इसके देखेंगे गाइस कि क्या कंपनी में और ग्रोथ हो। ज़्यादातर तो आप देखेंगे तो टाटा का नाम ही जुड़ा हुआ है, इतना ही काफ़ी है कंपनी की बाउंस बैक करने के लिए गाइस। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप जो कि नज़र आ रहा है आपको 15,140 करोड़ का इसका मार्केट कैप है गाइस। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसका देखने को मिलेगा बुक वैल्यू अभी नेगेटिव में चल रही है 97.47 रुपये, यानी कि जो कंपनी को भी डेप्ट है उसका सारा चुका के भी कंपनी को नेगेटिव में ही रहेगी, यदि सब कुछ बेच बाच के अपना अकाउंट क्लियर करे तो भी। तो ये बुक वैल्यू अभी नेगेटिव में ही है, जो इसकी रियल प्राइस कुछ भी नहीं बढ़ रही। और जो ये अभी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है वो गाइस ओनली वो टाटा एंड टाटा का ट्रस्ट है, इस वजह से ये अभी अच्छी खासी वॉल्यूम में प्राइस पे ट्रेड कर रहा है गाइस। और टेक्निकल के अकॉर्डिंग यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने काफ़ी कंसोलिडेशन का, काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन का रेंज का ब्रेकआउट दिया है, और रेंज के ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन कर रहा है, और इसमें आने वाले दिनों में कुछ अच्छी न्यूज़ देखने की पॉसिबिलिटी बन रही है गाइस, जो कि आपको चार्ट में साफ साफ क्लियरिटी से नज़र आ रहा है गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका लो था गाइस, और लो और कंसोलिडेशन रेंज थी, और यहाँ पे लोगों ने काफ़ी बाय सेल करके यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन करवाई है गाइस। और उसके बाद कुछ ना कुछ न्यूज़ तो ज़रूर आई है या आने वाली है गाइस, उसी पैरामीटर पर इस पर 2 डेज में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम बाइंग आई है यदि आप देखें तो। और जो हमारा ऊपर की साइड में फर्स्ट टारगेट बनता है गाइस, वो ये बनता है इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग, टेक्निकल पैरामीटर के अकॉर्डिंग, जो कि टारगेट निकल कर आ रहा है 82 रुपीस का फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है गाइस, जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है गाइस। और उसके अलावा जो सेकेंड टारगेट होगा वो हमारा ये लेवल होगा गाइस, जो कि 90 रुपीज़ का है, 90 रुपये का गाइस, जो कि सेकंड टारगेट होगा हमारा आने वाले दिनों में ट्रेडिंग सेशन में। यदि ये अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ही चलता रहा तो आपको आने वाले दिनों में ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और थर्ड टारगेट इसका और लास्ट टारगेट जो होगा गाइस, वो ये होगा 100 से 99 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ पर ना काफ़ी कंसोलिडेशन होने की पॉसिबिलिटी है गाइस, आप यहां पे देखेंगे तो जो कि सबसे बड़ा कंसोलिडेशन रेंज थी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, वही इसके लिए अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा गाइस। और जिस भी पर्सन को बैंक निफ्टी में लेकर ट्रेडिंग को लेकर रुचि बनी हुई है गाइस, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, जिसमें कि हम डेली के 2 टारगेट प्रोवाइड करवाते हैं, और टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी 80 से 60% रहती है गाइस। और हमारे प्रीवियस काफ़ी अच्छे फॉलोवर बढ़े हैं गाइस, और उन्हीं फॉलोवर के अकॉर्डिंग आप भी इसमें ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं गाइस। और जिस भी पर्सन का अभी तक डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकता है गाइस, जिसमें कि आपको एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं पे करनी पड़ती। और आइए चलते हैं अब इसके कुछ और पैरामीटर चेक करने के लिए गाइस, जिसमें कि हमें और अच्छे से एनालिसिस मिलेगी और क्लैरिटी मिलेगी कि हमें किस तरीके से इसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी चाहिए, और किस माइंड थॉट को अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। और प्रीवियस कुछ आप या इसके रिजल्ट देखेंगे गाइस, इसने एक हफ्ते में 22% के रिटर्न दिए हैं, और एक महीने में 19% के रिटर्न दिए हैं, 3 महीने में इसने 13.5% के रिटर्न दिए हैं, और ईयर टू डेट में इसने नेगेटिव ही परफॉर्म किया है अभी तक, और 1 साल में 33% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और 3 सालों में इसने
2200% के रिटर्न दिए हैं, तो रिटर्न वाइज तो कंपनी में काफ़ी अच्छी स्कोप है। और गाइस, और जो इसका सुपर ऐप था वो गाइस उस पैरामीटर पे, इस कंपनी में अभी जो जर्नी चल रही है वो उसी पैरामीटर पे चल रही है, और जो टाटा ग्रुप का ट्रस्ट बना हुआ है वो बना ही रहेगा गाइस। तो इस अकॉर्डिंग भी कंपनी को मुर्दा तो करने वाले हैं नहीं गाइस, ये टाटा ग्रुप वाले जो भी रतन टाटा सर हैं और एन चंद्रशेखर जी जो चेयरमैन हैं अभी टाटा सन्स के गाइस। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो लॉस की ग्रोथ रही है गाइस, वो 2019 से 2020 में थोड़ी बहुत बड़ी थी, फिर उसके बाद क्वार्टरली कमी ही होती आई है, ईयर ऑन ईयर कम होती आई है, इसकी जो नेगेटिव की परफॉर्मेंस थी वो कम होती आई है गाइस। तो इस पैरामीटर पे भी कंपनी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है और अपनी सेल्स में भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल ला रही है गाइस कंपनी। तो इन कुछ चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखें जब भी इसमें इन्वेस्ट करें। और उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है गाइस, जो कि 75% के आसपास ही बनती है, और इसमें अभी FIs की भी बाइंग हो चुकी है गाइस। और मैं इस शेयर को तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब ये शेयर का प्राइस 2.5 रुपये से 3 रुपये था गाइस, आज से 2 से 2.5 साल पहले, तब से मैं इसमें ट्रैक कर रहा हूँ गाइस। तो ये शेयर अभी काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहें तो इसमें अपनी छोटी मोटी होल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं गाइस। और ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को